हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिस इज़ योर एपी मैम एंड वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री पहले हम अपना रिवाज पूरा करेंगे दैट इज हमने पिछले सेशन में जो क्वेश्चन किया था ये जो क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को उसका मैं आंसर दे देती हूँ आप लोगों को माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एयर द आंसर फॉर दैट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो फाइव बहुत ही कम मात्रा में आपको हाइड्रोजन मिलता है इन अ ट्रेस अमाउंट वेयर एज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज सेवेंटी एट परसेंट एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन परसेंटेज वो रीजन टू रीजन वेरी करता है बच्चों डिफ़र करता है कि जहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज बट आइडियली इट इज़ ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर सो दिस वॉज अबाउट प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन नाउ वी विल गो हैड हम आगे क्या पढ़ेंगे हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे डिफ्रेंस पढ़ने वाले हैं कि भाई मैम ने मुझे एलिमेंट बता दिया मैम ने हमको कंपाउंड भी बता दिया एग्जाम्पल कम दिया था तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और हम सिर्फ पिक्चर्स नहीं देखने वाले ओके okay? हम इसके ऊपर डिटेल स्टडी करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं तीन भी नहीं बच्चों टोटल आठ डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले हैं कि कैसे कंपाउंड्स और मिक्सचर एक दूसरे से डिफरेंट है ओके सो लेट इज नाउ गेट स्टार्टेड विथ एटलीस्ट एग्जाम्पल्स ताकि आपको क्लियर रहे और इसी जो पॉइंट्स में आपको एग्जाम्पल ये पिक्चर में जो पॉइंट्स आपको मैं समझाने वाली हूँ वही चीज मैंने वहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिख के दिया है ताकि आपके पास एक स्पेसिफिक नोट्स रहे ओके सो जस्ट पे अटेंशन ओवर यर इफ आई टॉक अबाउट मिक्सचर पहला मिक्सचर दिया हुआ है मैंने सैंड एंड वाटर मैं बहुत टाइम आपको ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ दैट इज सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सैंड और वाटर जो है वो लोग कैसे है वो एक दूसरे के साथ में फिजिकली प्रेजेंट है राइट right? बट क्या उन्होंने रिएक्शन करने के बाद कुछ नया सब्सटेंस बनाया है क्या नहीं बनाया है सो कैन आई से दिस इज मिक्सचर दिस इज नॉट कंपाउंड यहाँ पे दो अलग कॉम्पोनेंट है एंड दे आर प्रेजेंट टूगेदर बट येस दे डू रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो सैंड अभी दिख रहा है आपको पहले भी वो सैंड ही था जो वाटर आपको अभी दिख रहा है वो पहले भी वाटर ही था और ये मिक्स होने के बावजूद भी सेम है ओके कौन से टाइप का मिक्सचर है याद करो हेटरोजिनस मिक्सचर उसके बाद में आता है भेल ओके मैंने आपको भील का एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर थोड़ा यमी एग्जाम्पल है और आपको मैंने पहले ही बोला कि मेरे एग्जाम्पल में मोस्टली खाने की चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल्स में प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ों में सब फैमिलियर होते हैं इसीलिए सो भेल अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको सेव कांदा और टमाटर एवरीथिंग यू विल सी राइट सो यहाँ पे कैसा होता है ये लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ में मिक्स है तो क्या बच्चों ऐसा हुआ क्या कि ये सारे टमाटर जो टमाटर कांदा हमने मिक्स किया था मिक्स करने का कुछ नया बन गया ओके यू विल ऑनली ऑब्जर्व टमाटर ऑलवेज रिमेन्स टमाटर कांदा ऑलवेज रिमेन्स कांदा ओके ओके आफ्टर मिक्सिंग टमाटर डज नॉट बिकम्स कांदा एंड कांदा डज नॉट बिकम्स टमाटर यहाँ पर तुमको ये कंक्लूजन देने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों दैट द कंपोनेंट्स विच आर मिक्स टूगैदर दे स्टिल रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ठीक है तो ये सिर्फ क्या होता है इनका जो भी आपको टेस्ट आता है वो सबके टेस्ट का एवरेज होता है लेकिन आखिर में वो वही होते हैं जो वो पहले थे ओके okay? मिक्स होने के

कोई भी मिक्सर को मतलब दो और मोर कंपोनेंट क्यों ना हो वो मिक्सचर को मिक्स होने के बाद भी सेपरेट आउट कर सकते हो ओके व्हाट इज कॉल्ड एज मिक्सचर ओके ये कंपोनेंट जो है वो रिएक्शन कर करते नहीं है दे आर जस्ट प्रेजेंट फिजिकली दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर इन फ्रंट ऑफ यू ओके देन यू हैव द अनदर एग्जाम्पल ओके ऑफ कंपाउंड्स ठीक है कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है फॉर एग्जांपल आप सॉल्ट को देखो यहाँ पे नमक खाने का नमक ओके सो यहाँ पे अगर देखोगे सॉल्ट के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ आपके साथ में यहाँ पे हुआ क्या था आपको मैंने पिक्चर दिखाया था राइट आई थिंक लास्ट वीडियो में या तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपने पिक्चर देखा होगा सोडियम कैसे ग्रेइश कलर का मेटल है राइट सो यू विल ऑब्जर्व दैट जो सोडियम होता है सोडियम लुक्स लाइक ग्रेइश It is grayish, right? और जो क्लोरीन है क्लोरीन बच्चों है है? है? वो, ठीक क्या ये आपको color का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या आपको ये गैसीय स्टेट में दिख रहा है नहीं दिख रहा है वाई बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस वॉट हैज केमिकली रिएक्टेड विद क्लोरीन दोनों ने रिएक्शन किया है और रिएक्शन से क्या मिल गया आपको सोडियम क्लोराइड मिल गया क्या मिल गया बच्चों सोडियम क्लोराइड नाउ द न्यू कंपाउंड फॉर्मड विल नॉट रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओके सोडियम क्लोराइड ना तो सोडियम जैसा है ना तो वो क्लोरीन जैसा है ये एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है यही मेजर डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड्स में ओके केस ऑफ मिक्सचर The components they retain its original property. They are just mixed physically. Whereas in this particular case, you will see that two or more elements, okay, or substances, they react chemically with each other and form something new. Okay, so this is about this is the example of sodium chloride. The another example I have taken is calcium chloride, and the next one is magnesium sulphide. These are the examples of compounds. Now इसके बारे में डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के पास एक प्रिसाइज नोट्स हो और आपको कोई डाउट ना हो मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बीच लेट नाउ गेट स्टार्टेड ठीक है मैं तुमको बोला हम आठ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हर स्लाइड में दो दो पॉइंट्स दिए हुए ऐसे हम तीन स्लाइड पढ़ेंगे एंड देन एज यूजल हम होमवर्क ले लेंगे एंड वी विल वाइंड अप विद द लेक्चर सो लेट इज गेट स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर इज कंपोजिशन ठीक है तो अगर मैं कंपाउंड्स का बात करूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या मैम इसका मतलब ये है बच्चों लेट अस टेक वन एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है इफ आई से कैल्शियम कार्बोनेट ओके यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करूँ या कई कोने से चूना वगैरह उठा के देख ओके यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व कि उसका फॉर्मूला यही होगा सी ए सी ओ थ्री ऑफ कैल्शियम एटम ऑफ कार्बन एंड थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन ओके क्यों मैम आज ना मेरा मूड खराब है सी ए सी ओ टू आज मेरा मन नहीं है थ्री लिखना ओके okay, ऐसा नहीं होता है बच्चों द कॉम्पोजिशन यू विल ऑब्जर्व विल ऑलवेज बी फिक्सड ओके जितने एटम्स का कैल्शियम के होते हैं फॉर्मूला में उतने ही दिखेंगे आज मूड चेंज है तो फॉर्मूला चेंज है ओके okay, या तो मैम आप ना लेबोरेटरी की बात कर रहे हो मैं तो कहीं रास्ते से उठाया है कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका फार्मूला अलग अलग होगा नहीं बच्चों अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट है तो इट विल हैव दिस फिक्सड फॉर्मूला ओके अगर मैं बोलती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यू विल नेवर हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला एच सी एल टू एच टू सी एल ओके आज हाइड्रोजन गायब है सिर्फ सी एल बचा है ऐसा नहीं होता है बच्चों सो इट विल बी ऑलवेज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यर वट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड इज कि हमेशा आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि द कॉम्पोनेट्स द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ एक मतलब एक एटम दो एटम नहीं आएगा फॉर्मूला में उसका ठीक है नाउ इफ आई टॉक अबाउट मिक्सचर्स आपको पता है अगर मैंने नमक लिया और पानी लिया मैंने एक स्पून नमक डाला पानी में और उसको घोल दिया आपने क्या किया आपने वो ग्लास ऑफ वाटर सेम अमाउंट में वाटर लिया बट आपने दो स्पून ऐड किया क्या ही फर्क पड़ने वाला है आपका भी सॉल्ट सोल्यूशन होगा और मेरा भी सॉल्ट सोल्यूशन होगा सो so यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऐड होने वाले हैं, वो दो तीन जितने भी कंपोनेंट्स ऐड होने वाले उनकी मात्रा फिक्स नहीं होती है ओके दैट इज वॉट इट इज रिटर्न ओवर ईयर मिड अप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड और बोथ बट इन एनी प्रपोर्शन कोई उसकी मात्रा फिक्स नहीं होती है सेकेंड पॉइंट देखते हैं बच्चों दैट इज नेचर कि मैम ये कंपाउंड का नेचर कैसे होता है पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम काइंड मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे हाथ में अभी मैंने नमक लेके रखा हुआ है सॉल्ट लेके रखा हुआ है तो सारे पार्टिकल्स किसके बने होंगे बच्चों सारे पार्टिकल्स एन ए सी एल 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 सारे पार्टिकल्स किसके बने होंगे सोडियम क्लोराइड के बने होंगे राइट Whereas, अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ तो याद करो सॉल्ट एंड वाटर वहाँ पे दो अलग पार्टिकल्स होंगे एक पार्टिकल होंगे एच टू ओ के और दूसरे होंगे एन ए सी एल के पार्टिकल्स दोनों तो रिएक्शन करने वाले के बच्चों नहीं करने वाले सो यर यू विल ऑब्जर्व दैट टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मिक्सचर्स अब ये हो गए स्टार्टिंग के दो पॉइंट्स आई होप आप लोग क्लियर है इसके ऊपर क्योंकि इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन है दैट टू फर्स्ट चैप्टर में तो आपको जब आपके एग्जाम्स होंगे आप अभी से प्रिपेड हो कि हाउ टू आंसर इट दे विल आस्क यू सिंपल डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स तो आपको सिंपल आंसर अगर वो एक मार्क का है तो आपको दो डिस्टिंग्विश लिखना है खाली अगर आप वो दो मार्क का है तो आपको चार डिस्टिंग लिखने पड़ेंगे ओके okay? तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इसीलिए डिस्टिंग जितना आपको मैंने दिया है ट्राई करो कि सारे डिस्टिंग आपको याद है ठीक है वी विल नाउ गो नेक्स्ट स्लाइड स्ट्रक्चर्स ओके अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो अगर मैं कंपाउंड बोलती हूँ ऑलवेज होमोजीनस होमोजिनस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है वेन आई से होमो होमो मतलब सेम जीनस मतलब फेस सेम फेज सो कंपाउंड विल ऑलवेज ना, तुमको ऐसा लगता है क्या कि अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को हाथ में लिया हुआ है तो इसमें से आधे जो सोडियम क्लोराइड है वो लिक्विड स्टेट में है आधे जो है वो सॉलिड स्टेट में है आधे व्हाइट कलर के आधे पिंक कलर के ऐसे नहीं दिखते राइट आपको वो एक ही फेज दिखता है ओके मैंने एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का लिया है आपको कंपाउंड को बताने के लिए ताकि आप बहुत क्लियर रहे एग्जाम्पल से जो इट इज ऑलवेज होमोजेनस वेयर इज मिक्सचर इट मे और मे नॉट बी homogeneous, मैम कैसे 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 पूछ रहे हो बच्चों हमने पढ़ा है मिक्सर्स के टाइप्स homogeneous एंड heterogeneous मिक्सचर ओके okay, homogeneous का एग्जाम्पल आपको मैंने सोल्ट सोल्यूशन का दिया है शुगर सोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया है Homogeneous में हम लोगों ने सोल्ट सोल्यूशन का एग्जाम्पल लिया था वेर एस हेट्रो में मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था भेल का hmm? मैंने एग्जाम्पल लिया था सैंड एंड वॉटर का राइट right? So, वो तुम्हारा हो गया हाइट्रोजेनियस मिक्सचर सो होमो इट कैन बी होमोजेनस मिक्सचर और हाइट्रोजेनियस मिक्सर ओकेजिनियस वेर अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सेपरेशन सेपरेशन अभी अगर ये कंपाउंड है राइट right? कंपाउंड का बच्चों सेपरेशन कैसे कर सकते हैं ओके यू हैव टू सेपरेट दैट कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल अगेन ओके माई फेवरेट वन सोडियम क्लोराइड अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे ओके okay? मैम एक काम करते सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और उसमें तोड़ देते हैं सोडियम को अलग फेंकेंगे क्लोरीन को अलग फेंकेंगे ओके इज इट लाइक दैट इट्स नॉट लाइक दैट राइट सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों यू हैव टू अंडर गो सर्टन केमिकल रिएक्शन ऐसे मेथड से जस्ट बाई सिंपल हीटिंग ओके उसको पानी में डाल दिया या उसको हमने यू you नो know, तोड़ दिया हथौड़ा थोड़ा ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है यू हैव टू अंडर गो सम केमिकल प्रोसेस यर इट इज रिटर्न कॉम्पोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली एंड ओनली बाय केमिकल मीन्स यू हैव टू अंडरगो सम केमिकल रिएक्शन मैम कैसे केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं कैसे उसको सेपरेट करते हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं वेर यू विल लर्न अबाउट

वो ऊपर ऊपर रह जाएगा जबकि जो वाटर है वो, वो पास हो जाएगा सो so, मिक्सचर्स के भी अलग अलग मेथड है सेपरेट करने के बट इट कैन बी इजिली सेपरेटेड हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन अंडरगो नहीं करना पड़ता है दिस वॉज अबाउट द सेपरेशन टेक्निक फॉर मिक्सचर्स नेक्स्ट बच्चों एनर्जी इन्वॉल्व ओके एनर्जी चेंजेस अब मैं बोलूँ एनर्जी चेंजेस सो एनर्जी इज ऑलवेज इवॉल्व और एब्सॉर्ब मैम एब्जॉर्ब और इवॉल्व ओके okay? क्या मतलब मैम इसका मतलब ये है बच्चों की जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो वर्क डन हुआ राइट right? अगर मुझे ये स्टाइलस ये नीचे भी रखना है राइट right? तो इसमें मैंने क्या किया मैंने वर्क डन किया क्या कभी भी एनर्जी के बिना वर्क डन पॉसिबल है नहीं है राइट right? हमने टेंथ में पढ़ा हुआ है फॉर एनी वर्क डन यू नीड एनर्जी अब वो एनर्जी कभी कभी हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं कभी कभी एनर्जी इवॉल्व भी कर सकते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में वही होता है जब कभी रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब जब कभी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट आउट ऐसे याद रखो जब कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो एंडोथर्मिक मतलब इन और जब इवॉल्व होता है एग्जिट मतलब आउट एक्सोथर्मिक ओके सो यस केमिकल चेंज के लिए वर्क डन के लिए हमको एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है वेर इज इन केस ऑफ मिक्सचर कौन सा वर्क डन किया आपने मिक्सचर में बताओ सोचो आपने क्या किया है सिंपली दो सब्सटेंस को मिक्स किया है राइट right? बट वो आज भी वही सब्सटेंस है क्या उन्होंने रिएक्शन करके समथिंग न्यू बनाया है क्या नहीं तो डन हुआ है क्या बच्चों नहीं। If there is no work done, तो कौन सी energy absorb या होगी? Right? So पे लिखा हुआ है no अब बात करते हैं अपीयरेंस की ओके कैन नॉट बी सीन सेपरेटली कैल्शियम कार्बोनेट में क्या आपको कैल्शियम दिखता है क्या अलग से कार्बन दिखता है अलग से नहीं दिखता है सोडियम क्लोराइड में क्या सोडियम आपको अलग से दिखता है क्लोरीन आपको अलग से दिखता है नहीं दिखता है दे आर टूगेदर एंड फॉर्म समथिंग न्यू राइट वे रेस यहाँ पे आपको दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है मतलब अगर मैं आपको बोलूँ भेल तो भेल में आपको कॉम्पोनेंट्स बराबर से दिखते हैं ना ओके okay? आपको दिखता है टमाटो कौन सा है अनियन कौन सा है सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में तो कॉम्पोनेट्स कैन बी सीन सेपरेटली वेर एस अगर मैं तुमको होमोजेनियस मिक्सचर बोलू जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन बोल रही शुगर सोल्यूशन okay? बोल रही हूँ मैं आपको ओके एयर बोल रही हूँ यहाँ पे क्या होता है हमको सेम फेस दिखता है तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कॉम्पोनेंट्स मे और मे नॉट बी सेपरेटली सीन होमोजनियस हुआ तो सेपरेटली नहीं दिखेगा हेट्रो हुआ तो सेपरेटली दिखेगा सो दिसंस एंड इज लास्ट स्लाइड बड़ी खुशी हुई बच्चों को सुन आज आज का। yes, last slide आज का। केमिकल so चेंज बराबर जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था ना केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है सो so yes यहाँ पे कंपाउंड्स के प्रिपेरेशन के लिए आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है ओनली फिजिकल चेंज मतलब खाली फिजिकल अपीरेंस बदलता है क्योंकि केमिकली रिएक्शन करके कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है दिस इज परमानेंटली इट इज चेंज वेर इज मिक्सर में क्या होता है वो परमानेंटली चेंज नहीं हुआ मैंने दो अलग पेबल्स को साथ में मिक्स किया अब मेरा मन किया कि पिंक पेबल्स को वहाँ से निकाल दूँ तो मैंने पिंक पेबल्स को सेपरेट कर दिया राइट सो यस यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज होता है जबकि कंपाउंड हम देखेंगे कि केमिकल चेंज भी ऑब्जर्व होता है लास्ट है प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिटुएंट एलिमेंट वेयर एज नो प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन शोज द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिटुएंट अगेन हम याद करेंगे इसके लिए कंपाउंड के बारे में बात किया एग्जाम्पल याद करो सॉल्ट का लेती हूँ मैं हमेशा राइट right? सॉल्ट में क्या सोडियम क्लोराइड सोडियम का प्रॉपर्टी दिखाता है राइट right? क्या वो क्लोरीन का प्रॉपर्टी दिखाता है, right? वो क्या करता है बच्चों? वो एक न्यू कंपोनेंट बन चुका है, तो वो अपना एक न्यू प्रॉपर्टी दिखाएगा इट विल नॉट शो अपने पप्पा मम्मी का प्रॉपर्टी जिससे बना है उसका प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है वेर इज इन दिस पर्टिकुलर केस मैं आपको भेल का एग्जांपल दे रही थी ना तो आप वहां पे देखोगे कि अरे बेल के केस में ओके okay, हर कोई अपने अपने प्रॉपर्टीज दिखाते हैं राइट right? अभी मिक्स करने के बावजूद भी आपको जो टेस्ट आता है वो आ, सबका एवरेज होता है बट रियल में ओके दे आर स्टिल द ओरिजिनल कॉम्पोनेंट राइट सो उसी के बारे में आपको लास्ट पॉइंट दिया गया है सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा it will be completely based upon the next chapter that is mixture and its types okay but usse pehle as usual hame ek homework karna hai the homework for you is salt solution is a mixture but not a compound explain why okay, ये आपको एक short answer, जितना short हो सके आपको उतने short answer में Uh, लिखना है कमेंट बॉक्स में आई विल डेफिनेटली रीड एंड लाइक इट ओके एंड मीन वेल कीप स्टिंग थैंक यू एवरी वन हैव अस डे